Now we have with us Professor Jagbir Singh, former head department of Punjabi University of Delhi, who specializes in combining folklore, literary theory, Indian philosophy and literature. He has an experience of 40 years of teaching. Professor Singh has remained associated with various projects of basic institutions, organization, and is a recipient of many dignified awards. Sir, I invite you for your inaugural. बहुत धन्यवाद। पूजनीय स्वामी जी, माननीय मंत्री जी, मैडम चंद्रकला पाड़िया जी, वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी, बकरंत प्रांते जी, प्रोफेसर चेतन सिंह जी, और लास्ट में प्रोफेसर कपिल कपूर, वो मेरे गुरु हैं। इनको नमन करके मैं अपनी बात कर रहा हूँ। दोस्तों, विद्वान लोग बहुत आप में बैठे हैं और वो अपने पेपर प्रेजेंट करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस ने जो मसला उठाया है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आधुनिक युग में जो सप्तऋषि की तलाश हम कर रहे हैं, उन्होंने बस्तीवादी दौर में भारत को स्वराज की चेतना दी और ज्ञान की चेतना दी। उनमें बहुत टावरिंग फिगर्स हैं, स्वामी विवेकानंद, पंजाब में भी विवेकानंद से प्रभावित स्वामी राम तीर्थ हुए हैं जी, और भी बहुत हैं। मेरा ताल्लुक जो रहा है वो सिविलाइजेशनल स्टडीज के ऊपर है। बात हो रही है ऋषियों की कि मॉडर्न पीरियड के ऋषियों ने क्या किया, ये आज हम पोस्ट मॉडर्न युग में बैठकर विचार कर रहे हैं। बस्तीवादी दौर में जो हमारे जिन महापुरुषों की बात हम विचार रहे हैं, उनके प्रवचन को देख रहे हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने हमारे देश के लिए और स्वराज की प्राप्ति के लिए और ज्ञान की चेतना के लिए क्या कुछ किया है, इसके लिए हमें अपनी सभ्यता के निर्माण करने वाले उन आदि ऋषियों की बात करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, जिसके बारे में मोहम्मद इकबाल ने, जिसने तराना हिंदी लिखते हुए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही थी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति तो 10,000 साल पुरानी है और हमारे ऋषियों ने प्रकृति के साथ एक ध्यानी रिश्ता जोड़ के उसमें जो ज्ञान के प्रबंध उन्होंने निर्मित किए हैं, जो मूल्य हमें दिए हैं, जो जीवन का दर्श दिखाया है, जो विश्व दृष्टि हमें दी है, वो विश्व दृष्टि समझने की बात है। क्योंकि आज मॉडर्न पीरियड के इन ऋषियों, सप्त ऋषियों के बाद एक और चैलेंज हमारे सामने है। उस चैलेंज को मीट करने के लिए हमें एजुकेटर्स की ज़रूरत है, प्रोफेसर्स की ज़रूरत है, रिसर्चर की ज़रूरत है। ये मॉडर्न आचार्य लोग हैं। अगर हम बीच के इन आधुनिक काल के सप्त ऋषियों की बात अगर करें, पूरी समझ हमें तब आएगी कि हमारी सभ्यता और संस्कृति क्या है, उसकी पहचान क्या है और इसने हमें क्या पहचान दी है। आप देखिए कि दुनिया की इस वक्त जो सिविलाइजेशनल क्लैश के बाद, आप सभी जानते हैं कि सैमुअल हंटिंगटन ने जो बात कही थी वो सच साबित हो गई। उसने 20-25 साल पहले कहा था कि अब दुनिया में जो संघर्ष होने वाला है वो सिविलाइजेशनल क्लैश का दौर आने वाला है। पर उसने बात एक इम्पॉर्टेंट बात कह दी, वो कह दी कि ये जो आने वाला संघर्ष है, इट विल बी बिटवीन वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी एंड रिसर्जेंट इस्लाम। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम तो एक ही सभ्यता के घटक हैं,
वो अब्राहमिक सिविलाइजेशन के साथ ताल्लुक रखते हैं, उनके अंदर ये क्यों क्लैश होगा? उन्होंने इस बात को भी आइडेंटिफाई किया, उन्होंने कहा था कि इसलिए होगा कि ये दोनों जो रिलीजन हैं, मैं धर्म नहीं कहूँगा, धर्म हमारी सभ्यता का शब्द है, कि इनमें अपने सत्य को अंतिम मानने की बात है और ये प्रोजिलिटाइजिंग रिलीजन हैं, अपने सत्य की इजारेदारी की बात करते हैं कि सत्य तो सिर्फ हमारे पास ही है, दूसरा जो है वो या तो इग्नोरेंट है या काफर है, उसको समझाया भी जा सकता है, ख़त्म भी किया जा सकता है। ऐसी बातें अगर होंगी तो सिविलाइजेशनल क्लैश तो ज़रूरी है, लेकिन हमारी सभ्यता को देखिए, हमारे ऋषि तो कहते हैं एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य एक है, रास्ते उसके अनेक, और उसके बाद दूसरा जिसके साथ संघर्ष होता है अदर होता है, जिसके साथ हम लड़ते हैं। अदर अगर वैरी है तो लड़ाई होगी, अगर मित्र है तो उसके साथ सहयोग होगा, दोस्ती होगी, प्रेम होगा। यजुर्वेद में हमारे ऋषि ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणी भूतानी समीक्षे, हमारी सभ्यता में दूसरे को मित्र की नज़र से देखने की बात कही गई है। तो ये हमारी सभ्यता है जिसमें उदारता है, जिसमें प्लुरैलिटी को स्वीकार करने की भावना है, इस सभ्यता के पास वो कुंजी है पीस की, हार्मनी की, ग्लोबल लेवल पर इस सभ्यता को समझने वाले आज के हमें मॉडर्न ऋषि वो चाहिए कि जो हमारी पुरानी ऋषि परंपरा का जो ज्ञान प्रवचन है उसकी जो सार्थकता है, और आज के ज़माने में जिसकी प्रासंगिकता को हम भूलते जा रहे हैं। आप देखिए कि छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, 2-3 साल पहले CBSE में एक कोर्स इंट्रोड्यूस करने की बात उठी, पहली बार हमारे स्वराज की प्राप्ति के 60 साल बाद के इंडियन नॉलेज ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिसेस, प्रोफेसर कपिल जी मेरे गुरुदेव, इनकी ये दृष्टि थी कि हमें एक अपने बच्चों को कम से कम अपने ज्ञान की परंपरा में जोड़ने के लिए कोर्स तो इंट्रोड्यूस करना चाहिए। उसकी मीटिंग हुई, हमारे साथी उन्होंने प्रश्न उठाने शुरू कर दिए, प्रश्न उन्होंने उठाने शुरू कर दिए कि ये तो नहीं चलेगा, कि क्यों नहीं चलेगा। वो कहते हैं कि ये इससे तो फिर हमारे जो देश के दूसरे जो संप्रदाय हैं वो इतराज़ करेंगे। उनको इतराज़ क्या किस बात पे था, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, उन्होंने कहा कि इसका नाम आप बदल दो तो ठीक है, नाम हमने रखा था इंडियन नॉलेज ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिसेस। उन्होंने कहा ऐसे कीजिए, नॉलेज ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया कर दीजिए, फिर कोई इतराज नहीं। मैं कहता हूँ इसी में हमारा ये दुर्भाग्य है कि आज़ादी के 65 साल बाद भी हम अपने इस देश की महान संस्कृति और सभ्यता के ज्ञान को अपनाने में शर्म महसूस करते हैं, ताकि दूसरे नाराज ना हो, दूसरे नाराज होते हैं या नहीं होते कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ही अपनी प्रॉब्लम खुद बनाए हुए हैं। तो प्रॉब्लम तो ये है मित्रों कि आज ये सोचने की बात है कि उन ऋषियों ने जिन्होंने ऋग्वेद की रचना की और बाद में उसी परंपरा में बौद्ध चिंतन आया, जैन धर्म के हमारे अपने आए धर्म प्रवर्तक आए, और फिर गुरु ग्रंथ साहिब की रचना हुई जिसमें एक कंटिन्यूटी है, एक संस्कृति की, एक सभ्यता की कंटिन्यूटी है। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको और शेयर करना चाहता हूँ। मैं पिछले कुछ दो कोई 5-7 सालों से जो कॉलेजेस में रिफ्रेशर कोर्स होते हैं उनमें गुरबाणी और ऋग्वेद को मिला के बात समझाने की कोशिश कर रहा था। एक हमारे टीचर उठ के खड़े हुए कि सर आप तो गुरबाणी को हिंदुज़म की तरफ लेके जा रहे हो। मैंने कहा भी मैं नहीं ले जा रहा, ये खुद जा रही है। मैंने कहा
गुरु ग्रंथ साहब की शुरुआत देखे, एक ओंकार सत नाम करता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अयुनी सैभंग। वो कहते चलो ठीक है, ओंकार तो गुरु साहब ने वेदों से ले लिया, लेकिन एका लगा के उन्होंने कमाल कर दिया। मैंने कहा एका भी ऋग्वेद में है कि ना सतासी ना सदासी ना सदासी तदानीम नसीद रजो व्योमा परोयत, उसके बाद न मृत्यु आसीत अमृताम न तरही, बाद में आता है अनित वातम स्वध्या तद एकम, कि जब ये ना तो सत था ना असत था ना जीवन था ना मृत्यु थी, दिन था ना रात थी, तो उस वक्त क्या था, तब वो एक था जो अपने आप पर निर्भर था। मैंने कहा ये स्वयंभंग है और एक है, ये वहाँ ऋग्वेद के साथ डायलॉग की बात है, ये हमारी सभ्यता की कंटिन्यूटी की बात है। तो बात तो ये है कि जिस तरह का मानव हमारे ऋषियों ने हमें बनाने की एक योजना बनाई, उसको हम भूलते जा रहे हैं। उनको भुलाया गया, पहले तो हमें हमलावरों ने भुलाया, उनकी बात तो छोड़ दीजिए, अब हमें अपने ही शासक जब बुलाते रहे उनके साथ भी हमें लड़ना है। वो लड़ना है ज्ञान के साथ, ज्ञान की काती को लेकर। कबीर जी कहते हैं कि ज्ञान की खड़क को लेकर हमने युद्ध करना है। तो ये जो ज्ञान का युद्ध है, ये चेतना का युद्ध है, स्वयमान का युग है, जिसको हम स्वराज की बात कहते हैं। मकरंद जी ने कहा कि इसकी बहुत सी डायमेंशन हैं, स्वराज हमें आत्मज्ञान दे और अपने पैरों पर खड़ा होने की सामर्थ्य दे, तो तब हम जो आज जिस तरह के हमें चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला करने के लिए हमें ये ऋषियों का जो प्रवचन है और जिसमें हमारे आधुनिक सप्त ऋषियों की का योगदान है, उसके बाद हमारी जो भूमिका उसमें होनी चाहिए, इन बातों की तरफ मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया।